अरावली पर्वत की इस खूबसूरत पहाड़ियों के बीच फरीदाबाद में स्थित है ऋषि पराशर का प्रसिद्ध परशुन मंदिर, जो सिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए एक विशेष स्थान माना गया है। शायद ही किसी को मालूम हो ऋषि पराशर जी की इस तपोभूमि में और इन हरी भरी वादियों के बीच इस खूबसूरत जगह पर एक सैकड़ों साल पुराना अखाड़ा भी है, जिसे डर है कि उसका अस्तित्व और उसकी पहचान कहीं खो न जाए। नरेश कुमार और ओमानंद जी की टीम आज इसी पर चर्चा करने के लिए अनखीर आए हैं। मैं नरेश कुमार, टीवी 19 की तरफ से। आज हम आप पहुंचे हैं ऋषि पाराशर जी के उस मंदिर पे, जो फरीदाबाद की बहुत चहल पहल से कहीं दूर है, उस शहरी वातावरण से भी दूर है, जहाँ पर हम चकाचौंध में रोज कहीं ना कहीं किसी रोज़ की ज़िंदगी को हम रोज़ ख़त्म करते हैं, रोज़ जीते हैं और रोज़ मरते हैं। आज यहाँ आने के बाद में जो प्रकृति का नज़ारा देखने को मिला है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षक भी है। अभी हम घूमते हुए जब यहाँ नीचे पहुँचे तो हमने देखा है कि कुछ हमारे नौजवान साथी हैं जो अखाड़े की तैयारी में लगे हुए हैं। पता लगा कि अखाड़ा भी काफ़ी पुराना है। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको नौजवानों से और रूबरू कराते हैं उनकी हकीकत से। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश पहलवान है, ये हमारे भाई नरेश पहलवान है। ये हम दोनों भाइयों ने मिलके बड़ी मेहनत से इसको अखाड़े को तैयार किया है। बाकी प्राचीन बताया जाता है कि 100-150 साल पहले यहाँ पे दंगल हुआ करता था, भारतमल महाराज रहते थे यहाँ पे। ये पाराशर अखाड़े के नाम से ये अखाड़ा है और यहाँ पर स्वर्ण मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, तपस्या भूमि है ये। यहाँ पे तपस्या की थी पाराशर महाराज ने, उसी के नाम से हमने ये अखाड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे अनखीर गांव से, फतेहपुर से, नेवला से, पाली से, काफ़ी आसपास के भौकरी नवादा गांव के लोग आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे हमने अपने गांव के सभी साथी, युवा साथियों ने, कबड्डी खेलते हैं वो सारी टीम ने मिलके ये अखाड़ा बनाया है। और हमने प्राचीन परंपरा को निभाने के लिए इसे अभी जागरूक करके रखा हुआ है कि जो ये आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य बने और यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करें और बाहर चल के कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखा के गांव का और शहर का और भारत का नाम रोशन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि ये लगभग इस प्रक्रिया में आप कब से लगे हुए हैं, या मैं कहूँ कि कितना पुराना है हमारा ये अखाड़ा? ये अखाड़ा 2015 में हमने गांव वालों ने, कुछ बच्चे कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ था तो हमने सोच के ये अखाड़ा बनाया था कि हमारे गाँव में खेलने के लिए कोई प्राचीन जगह नहीं है जिसमें हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हमने सबने मिलकर यहाँ वो भारामल का जो अखाड़ा था, यहाँ जो पाराशर का अखाड़ा था, यहाँ आकर हमने मेहनत करनी शुरू करी 2015 में। तो हम सारे बच्चों ने आके यहाँ के साफ सफाई करके इसे सफाई से बनाया है। अब हमने, आपको दिखाता हूँ मैं, अब हमने इसमें बारिशों में हमें प्रैक्टिस होने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए हमने इसमें टीन साइड का आयोजन किया है। ये गाँव के समस्त हमारे जितने भी युवा भाई हैं सबने मिलकर इसमें सहयोग किया है और जिसके कारण आज ये साइड बनने जा रही है। इसमें हमने भूड़ा मट्टी गिरवाई है और बच्चों के मेहनत के लिए कुछ एक्सरसाइज का सामान मंगवाया है और अब आपके सामने हम सारे यहाँ मेहनत करते हैं। बच्चों का टाइम हुआ है, सर्दी होने के कारण अब बच्चे 2 बजे के बाद आते हैं और 4-5 बजे से पहले पहले वो निकल जाते हैं, जो यहाँ कोई खतरा और सर्दी की वजह से जल्दी बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। बहुत एक अच्छी पहल लगी इस शांत वातावरण में, एकदम प्रकृति के बिल्कुल करीब, ऐसा माहौल जो अक्सर करके हमें देखने को नहीं मिलता है। और एक बहुत बड़ी वजह भी है कि हम शहर की मारामारी वाली ज़िंदगी से निकल के कहीं हम शांति या सुकून ढूंढने कभी निकल ही नहीं गए। और अभी मेरे साथ मौजूद है एक दूसरे नरेश। जी, आपका शुभ नाम? नरेश कुमार जी। आप कुछ बताएंगे सर यहाँ के विषय पे? यहाँ पे हम लॉकडाउन से ही आ रहे रेगुलर, यहाँ ना तो प्रदूषण की कोई हुआ है और एकदम खुला माहौल है और महर्षि पाराशर जी की तपोस्थ है और यहाँ बहुत अच्छा मन लगता है। यहाँ कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है और गांव के नए नए बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनकी प्रैक्टिस होती है और हम भी साथ में यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आज की भागा दौड़ की ज़िंदगी में ये खेल बिल्कुल लुप्त हो गया है, या मैं कहूँ कि हमें अक्सर करके कहीं भी अब देखने को नहीं मिलेगा। पहलवानी के नाम पर या पहलवानी के तौर पर हमें खाली बोर्ड दिखाई देते हैं, या आज का जो प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे कि आज हम जाएँ तो जिम वगैरह बना दिए गए हैं, जहाँ पर सुनने में जो आया है कि पाउडर वगैरह खा करके या कुछ केमिकल्स के प्रयोग से लोगों की सेहत को या उनके शरीर को इतना फुला दिया जाता है, तो उसमें और आपकी अखाड़े की जो मेहनत है उसमें कितना फ़र्क है? जिम में पाउडर और स्टेरॉइड लेके महीने 2 महीनों में शरीर बन जाता है, इसमें 1 से 2 साल लगते बनाने में, मगर ये 10-20 साल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और वो 2 महीने में बीमार हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल होते हैं, ज़्यादातर अकाल मृत्यु हो रही है इन बच्चों की,
वो नशे को इतना ज़्यादा हाई पर ले लेते हैं बिगर नॉलेज के। तो यहाँ पे देसी मेहनत होती है, तो इसमें ना तो कोई स्टेरॉइड का यूज है ना पाउडर का, या तो देसी बादाम घी और दूध यही है खाली, इससे अलग कोई वो नहीं है, सारा नेचुरल खाते, उससे ना कोई साइड इफेक्ट है ना कोई नुकसान है। कैनरे जी मैं जानना चाहूँगा, क्या सरकार की तरफ से या हम सामाजिक संगठनों से कहीं आपसे कोई ऐसी मदद जो इस खेल को आगे बढ़ाए या इस प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर रही हो? अभी तक तो किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया, हम जो भी बच्चे आते हैं दो चार जनों ने अपनी जेब से और कुछ भाइयों की मदद से ही यहाँ पे पैसा लगाया है, कोई ना सरकार की तरफ से है ना कोई खेल मंत्री की तरफ से है। ये ग्राउंड भी मंदिर का मिला हुआ, हमें ग्राउंड भी नहीं मिला हुआ, हम चाहते हैं हमारा अनखीर में कोई खेल के लिए ग्राउंड मिले और वहाँ कोई स्टेडियम टाइप का कुछ मिल जाए जिसमें मेहनत कर लें। पहली बात तो इधर ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, दूसरा आजकल जिम में जाके नशा ले लेके वो जिम करते हैं और दो साल में तीन साल में वो बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए हमें देसी ग्राउंड, जो मेहनत करने के लिए देसी ग्राउंड चाहिए जहाँ हम कबड्डी कुश्ती वगैरह जोर वगैरह कर ले। तो ये पाराशर महाराज जी की जमीन है या पाराशर महाराज के नाम से ये अखाड़ा हम चला रहे हैं। तो क्या सर इस चीज़ का अनुरोध लेकर के आप किसी अमुक अधिकारी या कोई संबंधित अधिकारी से या पार्षद से आप मिले? मिले थे मंत्री जी से, मिले एक दो पार्षद, हाल में तो पार्षद हमारा ऐसा वो लुप्त ही रहता, हमने 20 साल में कोई पार्षद ही नहीं देखा हमारे यहाँ का। पहले इतवारी लाल था वो अनंगपुर से, क्या नाम है उसका, नाम ही नहीं जानते ना शिकल पहचानते। हम तो ये लगा लो गांव वालों की मदद से या अपनी जेब से जो भी पैसा लगता है उसी से यहाँ कर रहे हैं, हमें कोई खेल के लिए कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से। बड़ा अफसोस होता है जब किसी प्राचीन धरोहर को हम लुप्त होता देखते हैं, जब प्रशासन और सरकार भी अपनी आंखें मूंद लेती है तो और भी ज़्यादा दुख होता है। हम इन भाइयों के जज्बों को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं प्रशासन भी इनकी मदद करेगा। कृपया हमारे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हम आपकी आवाज़ और दूर दूर तक पहुंचा सकें। नरेश कुमार और ओम आनंद TV 90 से धन्यवाद।